हाय गाइस, जय हनुमान। जेई मेन जनवरी में जो अभी आपका परसेंटाइल आया, क्या इस परसेंटाइल पर आपको NIT भोपाल, दिल्ली, जलंधर, दुर्गापुर और जमशेदपुर में CS मिल सकती है? आज हम बात करने वाले हैं। ओपन कैटेगरी के बच्चे जिनका परसेंटाइल 99.4 से 99.3 परसेंटाइल के बीच में, OBC वाले बच्चे जिनका परसेंटाइल 99.2 से 99 परसेंटाइल, EWS वाले बच्चे जिनका परसेंटाइल 99.2 से 99.1, SC वाले बच्चे जिनका 97.5 परसेंटाइल से 96 परसेंटाइल, ST वाले बच्चे जिनका 96.5 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल के बीच में अभी जनवरी में आया है, उनको भोपाल, दिल्ली, जलंधर, दुर्गापुर और जमशेदपुर में CS मिलने की संभावना है। हालांकि ये जो परसेंटाइल जनवरी में अभी आपके जो बनी है, ये यूनिक कैंडिडेट केवल 11,70,000 बच्चों के बीच में अभी आपका जो स्कोर, रॉ स्कोर बना है, उसके हिसाब से बनी है। लेकिन जब इसी परसेंटाइल को अप्रैल के कैलकुलेशन में लेके जाएंगे, जो कि यूनिक कैंडिडेट करीबन 1.7 लाख के आसपास आराम से बनेंगे, तो उस कैलकुलेशन पे थोड़ा डिजाइन करके हमने आपको बताया है कि आपको टॉप 10 to 15 NIT में CS ब्रांच मिलने की संभावना बन सकती है। तो गाइज, ये परसेंटाइल की रेंज अगर अभी जनवरी में आपकी आ रही है, तो आपको भोपाल, दिल्ली, जलंधर, दुर्गापुर और जमशेदपुर में CS ब्रांच मिल सकती है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।